हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सविताज किचन डायरी। आज हम बनाएंगे चिकन जलफ्रेजी। इसके लिए इंग्रेडिएंट आप लोगों के सामने है। इसमें तीन टाइप का बेल पेपर मैं यूज़ की हूँ, और जिंजर जुलियंस, गार्लिक, और उसके बावजूद बोनलेस चिकन, और पाउडर मसाला में सॉल्ट, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर एंड गरम मसाला पाउडर। इसमें मैं ली हूँ प्याज, थोड़ा सा चिली चिकन में जैसा कटा हुआ वैसे टाइप का। अभी जो चिकन है, बोनलेस चिकन है, उसको हम लोग ऑयल में फ्राई करेंगे। ये जो जलफ्रेजी है ना, मैं आप इसका मतलब मैं आप लोगों को समझाती हूँ। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, जल एंड फ्रेजी। जल इज झाल, जो बंगाली में जिसको तीखा बोलते हैं, स्पाइसी बोलते हैं, और फ्रेजी इज स्टार फ्राइड। सो दोनों को, ये जो फ्राइड चिकन और वेजिटेबल्स को मिला के एक स्पाइसी चिकन डिश हम लोग बनाएंगे। अभी ये चिकन हल्का सा फ्राई होने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, हल्दी पाउडर एंड रेड चिली पाउडर। देखिए चिकन का कलर तो एकदम चेंज हो गया है। देन स्लो फ्लेम में हम लोग चिकन को फ्राई कर लेंगे। फ्राई होने के बाद चिकन गोल्डन ब्राउन जैसा दिखेगा, और चिकन को हम लोग निकाल के अलग एक डिश में रख लेंगे। यहाँ पे मैंने कम क्वांटिटी का बना रही हूँ। ये जो इंग्रेडिएंट्स है, आप इसको बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ द वेजिटेबल एंड चिकन। अभी कढ़ाई में हम लेंगे एक बड़ा साइज का प्याज, जिसको मैं बड़ा बड़ा करके चॉप की हूँ। ये जो प्याज का जो चंक्स है वो मुँह में आएगा जब हम चिकन जलफ्रेजी खाएँगे। एंड ये डिश को आप रोटी, पराठा, नान किसी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसमें डालेंगे एकदम फाइनली जिंजर जुलियंस एंड लंबा लंबा पतला पतला स्ट्रिप करके गार्लिक। इसको प्याज के साथ हम लोग हल्का सा फ्राई करेंगे। ये फ्राई इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। हम लोग ये ऐसे टाइप का फ्राई करेंगे इसको, जब हम लोग सब्जी खाएंगे उसका चंक्स मुंह में आएगा। अभी उसके बाद हम मीडियम साइज टमाटर को प्यूरी बनाएंगे, बना के इसमें डाल देंगे। ये एक कच्चा टमाटो है, उसको हम लोग कुक करेंगे 2 से 3 मिनट्स मीडियम फ्लेम में, जब तक इसका कच्चापन ना चला जाए। उसके बाद पाउडर मसाला का बारी। पाउडर मसाला में हम डालेंगे रेड चिली पाउडर, काश्मीरी रेड चिली पाउडर, स्वाद के मुताबिक सॉल्ट, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर एंड गरम मसाला। सो इसमें आप लोग थोड़ा सा क्रश ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर रही हूँ, ज़्यादा सा तीखा हो जाएगा इसलिए, बट ब्लैक पेपर का फ्लेवर भी यहाँ पर अच्छा लगता है। अभी पाउडर मसाला को मिक्स करने के बाद हम लोग इसमें डालेंगे तीन टाइप का बेल पेपर। यहाँ पे मैं ग्रीन, येलो और रेड बेल पेपर यूज़ कर रही हूँ। आपके पास ओनली ग्रीन है तो आप ग्रीन कर सकते हैं, बट ये कलरफुल डिश है, इसमें कलर बहुत अच्छा लगता है। इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद जो चिकन हम फ्राई करके रखे थे, इसको हम इसमें मिला लेंगे, और मसाला के साथ, वेजिटेबल के साथ चिकन को अच्छा से फ्राई करेंगे। 2 to 3 मिनट्स फ्राई होने के बाद हम लोग इसमें आधा कप जो गुनगुना पानी या लिक्विड वाटर ऐड करेंगे। सो इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं रहता है, हल्का सा ग्रेवी एक रहता है, एकदम ड्राई भी नहीं होता है ये। सो देखिए ये कंसिस्टेंसी में आप लोग रखेंगे सब्जी को, उसके बाद उसको लीड दे के 2 मिनट्स कुक करेंगे। सो कुक होने के बाद आप लीड उतारिए, और देखिए चिकन का जो टेक्स्चर ऐसा आएगा, ये बहुत कलरफुल, बहुत एक यम्मी डिश है। सो इसको मैं फर्स्ट टाइम आज मेरे किचन में बना रही हूँ, और इसको थोड़ा सा तीखापन देने के लिए हम लोग डालेंगे इसमें कटा हुआ हरी मिर्च या ग्रीन चिली, और बहुत सारे फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स या धनिया पत्ता। इसको डाल के हम लोग मिक्स कर लेंगे सब्जी के साथ। देखिए ये गर्मा गर्म यम्मी टेस्टी सा चिकन जलफ्रेजी रेडी है। सो ये खाने के लिए एकदम मज़ेदार होता है, और दिस डिश इज इन्वेंटेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम। इसको हम सर्विंग बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। कितना सुंदर कलरफुल लग रहा है, देखने के लिए जितना अच्छा लग रहा है, खाने के लिए भी उतना यम्मी है, टेस्टी है, और इसका जो टेस्ट है ना वो उभर के आता है जब हम इसको बटर नान के साथ खाएंगे या रुमाली रोटी के साथ खाएंगे। सो इसको आप लोग के किचन में ज़रूर बनाइए, ये बहुत यम्मी लगेगा। आप लोग बार बार इसको बनाते रहेंगे, ये मेरा प्रमिस है।
आशा करती हूँ ये वाला वीडियो आज आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। फिर मिलेंगे बहुत जल्द और एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड लव यू माई फ्रेंड्स।